नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे जहां पर बताया जाता है कि इस मंदिर में मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। दोस्तों भारत में देश में कई सारे ऐसे मंदिर स्थापित हैं जिसमें रोज चमत्कार होते हैं, जिसके चलते मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। वैसे भी भारत को आस्था का देश माना गया है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके चमत्कार के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मृत इंसान को लाने पर उसमें जीव आ जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ऐसे ही एक मंदिर के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये मंदिर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 15 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर गांव में स्थित आस्तिक बाबा का मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर के लिए लोगों की आस्था है कि अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उसको इस मंदिर में लाने से वो जिंदा हो जाता है। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आस्तिक मुनि साधना करते थे। आज भी वो हवन कुंड मौजूद है जिसमें मुनि हवन किया करते थे। दोस्तों इस मंदिर में पुष्प के स्थान पर लकड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों ये लकड़ियाँ मानव आकृति की होती हैं, इन्हें आस्तिक मुनि का पहरेदार कहा जाता है। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली लकड़ियाँ काम नाम के पेड़ की होती हैं। दोस्तों महाभारत काल में जब नागवंशी योद्धा तक्षक ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित के प्राण हर लिए तो परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने क्रोधित होकर अनेक नागपुरुषों को बंदी बनाकर आग में जीवित झोंक दिया था। दोस्तों इसे सर्वयज्ञ का नाम दिया गया था। उस समय आस्तिक मुनि ने कुछ प्रमुख नागों को बचा लिया। आस्तिक मुनि ने श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों की रक्षा की थी, इसलिए यह दिन नागपंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।